नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते खबरों की। आज उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश में दोबारा सीएम पद की शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पुष्कर सिंह धामी दोपहर 2:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्य में बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है, लिहाजा इस रिकॉर्ड तोड़ जीत को भव्य बनाने के लिए परेड ग्राउंड तैयार है। इस शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव शामिल रहेंगे। इसके साथ ही साधु संत और शहर के प्रबुद्ध जन, आम जनता समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी ने उत्तराखंड में एक बार फिर इतिहास रचा है, जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों ही जगह इस बार बीजेपी ने इतिहास रचा है। 2022 का चुनाव सभी के लिए यादगार रहेगा, क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश में 37 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी एक नया रिकॉर्ड बना है। बीजेपी की सरकार फिर से बनी है। इस खबर में हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से इतिहास रचा है बीजेपी ने, आज धामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, किस तरह से देखते हैं? एक बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां पे सरकार कभी रिपीट नहीं हुई है और 5 साल का कार्यकाल भी किसी मुख्यमंत्री का पूरा नहीं हुआ है, तो बड़ी उपलब्धि है बीजेपी और धामी दोनों के लिए। जैसे अगर बात करें तो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पे आज पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी होगी, और ताजपोशी का कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में 2:30 बजे रखा गया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस शपथ समारोह में शिरकत करेंगे। और आज के शपथ समारोह में पुष्कर सिंह धामी ने जो एक साफ तौर पर अभी कल बयान दिया, इसमें कहा है कि चुनाव से पहले जो भी वादे किए हैं भाजपा ने उत्तराखंड के अंदर में, उसको सबसे पहले पूरा किया जाएगा। चाहे बात की जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसमें एक नागरिक और एक समान अधिकार की बात की जाए, तो सभी नागरिकों को एक समान अधिकार की बात जो की गई थी उत्तराखंड चुनाव के अंदर में, वो फिर से एक बार पुष्कर सिंह धामी उस पर हामी भरते उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी इस बार के विधानसभा चुनाव में खटीमा से चुनाव लड़े थे और खटीमा से वो चुनाव हार गए थे, जिसके बाद माना जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हो सकते हैं, और त्रिवेंद्र सिंह रावत और तमाम जो वहां के बड़े नेता हैं उनको मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उनकी जिम्मा मिलेगा, उन्हें संभालने का मौका मिलेगा। मगर उत्तराखंड के कई ऐसे विधानसभाओं में प्रदर्शन होने लगे और दलील देने लगे कार्यकर्ता जो भाजपा के थे, कि जब पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी हुई तो वो 5 साल के अंदर में 3वें मुख्यमंत्री थे भाजपा के तौर पे। 2 लोगों को रिप्लेस करके पुष्कर सिंह धामी को लाया गया था। उस वक्त भाजपा की हालत उत्तराखंड में सही नहीं थी और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ऐसा काम किया गया कि भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। जी, तो जिस तरह से आसान नहीं रहा है बीजेपी के लिए ये सफर, 2 मुख्यमंत्रियों को रिप्लेस कर दिया गया, तीसरे पुष्कर सिंह धामी बने, उनको काम करने का ज्यादा मौका भी नहीं मिला। देखा जाए तो पीएम मोदी के चेहरे पे कहीं ना कहीं जीत हासिल हुई है बीजेपी को, तो जो आगामी कार्यकाल रहेगा पुष्कर सिंह धामी का, तो कौन कौन से कार्य रहेंगे उनके जिसको वो निभाने की बात कहते आए हैं? जी शिखा, अगर बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब वहां मामला हुआ था कि एक नागरिक समान अधिकार, चाहे वो किसी जाति मजहब का हो, सबके लिए कानून एक समान हो, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला रहा है वो उत्तराखंड चुनाव के अंदर में काफी तूल पे रहा और पुष्कर सिंह धामी इस पे हामी भरते हुए नजर आए। वही साथ ही साथ पहाड़ों को काट कर जो चमोली और आसपास के जो इलाके थे, चाहे अलखनंदा की बात की जाए, तो इन सब जगहों पे ब्रिज बनाए जा रहे थे, जिसको जो आम ग्रामीण नागरिक थे उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया कि इसको प्रकृति के साथ खिलवाड़ न किया जाए, और ऐसी आरोप लगाते हुए जिस पर पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि ऐसे काम नहीं किए जाएंगे। वहीं आपके बता दें कि आज के
जो शपथ समारोह कार्यक्रम रखा गया है इसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम ऐसे बड़े चेहरे शिरकत कर रहे हैं, तो वहां पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरे चुस्त दुरुस्त तरीके से तैनात किए गए हैं, सेना के जवान साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस और ड्रोन के माध्यम से हर एक चीजों पे निगरानी रखी जा रही है। और जो परेड ग्राउंड है देहरादून के अंदर में, वहां पिछले दो दिनों से आसपास के जो जगह है उसकी तलाशी की जा रही है और अज्ञातों से पूछताछ की जा रही है और सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। जी, अगर निमंत्रण की बात करी जाए तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों को निमंत्रण भेजा गया है, उत्तराखंड में कौन कौन से विपक्षी दल और बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है? जी, अगर बात करें तो भाजपा से पहले हरीश रावत वहां के सीएम हुआ करते थे कांग्रेस से, तो उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर जो प्रत्याशी थे उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। और साथ ही साथ जो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात की जाए, तो उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया है। तो पक्ष और विपक्ष के तमाम लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, मगर निमंत्रण में जो आमतौर पर देखा जाता है कि पक्ष के लोग ही आते हैं, विपक्ष बहुत कम आता है। लेकिन अब लोकतंत्र है, आप देख सकते हैं कि कौन इसको किस तरह से मानता है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो आज एक अहम दिन है, पीएम मोदी, अमित शाह, तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे। आज पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक बार फिर से शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो आज ये अहम दिन है। सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी, हालांकि ज्यादा लंबा कार्यकाल नहीं मिला उनको अपने पहले कार्यकाल में, लेकिन अब जो दूसरा कार्यकाल है, क्या वो 5 साल तक अपनी कुर्सी बचाकर रख पाते हैं? जिस तरह से जनता और इतिहास देखने को मिला है उत्तराखंड की राजनीति का, तो क्या पुष्कर सिंह धामी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे? ये एक बड़ी चुनौती है पुष्कर सिंह धामी के लिए भी, और आज वो शपथ लेने वाले हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज गाजीपुर पहुंचेंगे, जहां वो जखनिया तहसील के अंतर्गत स्थित सिद्धपीठ हथिया राम मठ पर धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं कार्यक्रम के आयोजक हथिया राम मठ के मंडला भवानी नंद यती जी महाराज के प्रतिनिधि डॉक्टर संतोष मिश्रा के द्वारा संघ प्रमुख मोहन भागवत के आगमन के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि मोहन भागवत की कल वाराणसी से सड़क मार्ग से हथिया राम मठ दिन में 11 बजे पहुंचेंगे, और इस दौरान उनका मठ प्रांगण में भी कई तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के पश्चात 4 बजे वाराणसी के लिए सड़क मार्ग से ही वापस जाएंगे। तो आज मोहन भागवत के कई कार्यक्रम है, गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे वो, 11 बजे पहुंचेंगे और 4 बजे तक वहीं रहेंगे। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के आगमन के बारे में जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि मोहन भागवत वाराणसी से सड़क मार्ग से हथिया राम मठ दिन में 11 बजे पहुंचेंगे। तो वाराणसी के बाद अब वो गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे, 11 बजे पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही मठ प्रांगण में कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे, और इसके बाद 4 बजे वो वाराणसी के लिए सड़क मार्ग से ही वापस जाएंगे। तो वाराणसी वो वापस जाएंगे। आपको बता दें कि लगातार मोहन भागवत कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और लगातार राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन जितने भी धार्मिक स्थल हैं, राजनीति करने के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर भी दर्शन पूजन करते आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। सिद्धपीठ हथिया राम मठ पहुंचेंगे मोहन भागवत, और उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, तमाम धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज गाजीपुर पहुंच रहे हैं, जहां वो जखनिया तहसील के अंतर्गत आने वाली सिद्धपीठ हथिया राम मठ पर धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और इस खबर पर हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए गाजियाबाद से संवाददाता पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ कार्यक्रम की जानकारी है मोहन भागवत के? 11 बजे की समय सीमा बताई गई थी कि 11 बजे वो पहुंचेंगे, तो कितनी देर में पहुंचने वाले हैं मोहन भागवत? जी, हम बता दें इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो इसी रास्ते से होते हुए जखनिया तहसील के सिद्धपीठ हथिया राम मठ में पहुंचेंगे। 11 बजे का समय था, तो आधे घंटे विलंब से पहुंचने की उनकी सूचना है, 11:15 तक उनके पहुंचने की सूचना है। जी, और क्या कुछ कार्यक्रम है? कई धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी मिल रही है, तो कौन कौन से कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे मोहन भागवत?
जी सबसे पहले मोहन भागवत सिद्धपीठ पहुंचने के बाद जो है वहां के पीठाधीश्वर महंत श्री भवानी नंदन जी महाराज जी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद ये धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। उसके बाद जो है यह कन्या पीजी कॉलेज की जो छात्राएं हैं उनसे ये जी, अगर बात करें राजनीतिक रूप से जिस तरह से वो गाजीपुर के दौरे पर हैं और उसके बाद वो वाराणसी से आ रहे हैं और इस दौरे के बाद वो फिर वाराणसी वापस जाएंगे, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कौन से काम ऐसे हैं जिसके लिए वो आ रहे हैं? जी हम आपको ये बता दें कि यहाँ के पीठाधीश्वर ने कहा कि मोहन भागवत का कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है, उनका प्रयास सिद्धपीठ की परंपरा को आगे बढ़ाना है, इसे राजनीतिक मंच देना उन्होंने उचित नहीं समझा। जी, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है उसमें भी सभी बड़े नेता लगे हुए नजर आ रहे हैं, मोहन भागवत की भूमिका किस रूप में देख रहे हैं? जी मोहन भागवत ने बताया जो है, और यहाँ पे कल पत्रकारों से बातचीत में पीठाधीश्वर भवानी नंदन ने बताया कि अगर मुख्यमंत्री का निमंत्रण आता है शपथ समारोह का तो वो अवश्य जाएंगे। जी, वाराणसी 4 बजे रवाना होंगे तो जिस तरह से आधी घंटा विलंब से आ रहे हैं तो क्या 4 बजे ही रवाना होंगे या फिर कार्यक्रम के आधार पर वो देरी से जा सकते हैं? जी लगभग मैं आपको बता दूं कि इनका गाजीपुर में लगभग 5 घंटों का कार्यक्रम है। जी 5 घंटे ये गाजीपुर यानी कि हथियारा मठ में मौजूद रहेंगे, धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे, महंत से मिलेंगे, वहाँ की सिद्धपीठ को पूरी तरह से उसका वो अवलोकन करेंगे, वहाँ कन्या पीजी कॉलेज की छात्राओं से संवाद करेंगे, इसके बाद ही वो बनारस के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये मोहन भागवत का गाजीपुर में पहला आगमन हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता पवन मिश्रा जुड़े थे गाजीपुर से। तो गाजीपुर में आज मोहन भागवत का आगमन हो रहा है, पहला दौरा बताया जा रहा है, ये सिद्धपीठ हथियाराम मठ जाएंगे, वाराणसी से गाजियाबाद आ रहे हैं और उसके बाद 5 घंटे के कार्यक्रम है जहाँ पे उनके धार्मिक कार्यक्रम है, उसके बाद वो फिर वापस वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।